चल बेटा जल्दी चल, बहुत लेट हो गया है। और तू एक जगह बैठ के पढ़ाई करना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। जी माँ। चल जल्दी। बेटा तू यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर, मैं तब तक सारा काम निपटा लेती हूँ। जी माँ। क्या करूँ मैं, एक काम करती हूँ, ड्राइंग ही कर लेती हूँ। थैंक यू दीदी। कैसी है मेरी ड्राइंग? हाँ अच्छी अच्छी है, बैठ जाओ वापस वहाँ पे। ठीक है। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों उदास बैठी है? मम्मा मेरे से कोई दोस्त नहीं बनना चाहता, मुझसे कोई बात नहीं करता, दीदी भी बात नहीं करते। कोई बात नहीं बेटा, दीदी ने तुमको चॉकलेट दी थी ना, हाँ? तो दीदी को तुम कुछ दोगी तो वो तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। सच्चे? हाँ। तो मैं दीदी को मैं बिस्किट दूंगी। हाँ जाओ दीदी को बिस्किट दे के। बिस्किट खाओगे? छी, मैं नहीं खाऊंगी ये बिस्किट, तुम मुझे अपना झूठा दे रही हो। लेकिन दीदी आपने जो चॉकलेट दिया था मैंने भी तो उसे खाया था। हाँ तो तुम गरीब हो, तुम हमारे टुकड़ों पे पलते हो, जिसे तुम छू तो मैं गलती से भी ना छू। जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मूड खराब करने। जा बेटा रो मत, वो लोग अमीर है ना, वो लोग हमारा दिया कुछ भी नहीं लेते। तो माँ क्या गरीब होना पाप है? नहीं बेटा, बल्कि मेहनत ना करके गरीबी दिखाना पाप है, गरीब होना पाप नहीं है। माँ क्या मैं भी बड़ी होके आपकी तरह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा मारूंगी? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए तो इतनी मेहनत कर रही हूँ कि जिससे तेरा दाखिला बड़े से बड़े स्कूल में कराऊं और बड़ी हो के तू बहुत बड़ी अफसर बने। माँ मैं बहुत मेहनत करूंगी और बड़ी हो के आपका सपना पूरा करूंगी। Thank you.
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मेरे बेड में बैठने की? दीदी मैं टीवी देख रही थी। कंप्यूटर को टीवी बोलती है? जस्ट गेट आउट ऑफ माय रूम राइट नाउ। स्टूपिड लड़की। आयु कहाँ हो बेटा? आयु अरे बेटा आयु, मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम हेडफोन लगा के बैठी हो। अरे मम्मा आप आ गए? हाँ बेटा मैं आ गई। और कैसा रहा तुम्हारा दिन? खाना खाया तुमने? हाँ मम्मा मैंने खाना खा लिया। ओके अरे आज इतना कमरा गंदा क्यों है? शांति आंटी नहीं आई क्या काम पे? अरे मम्मा वो शांति आंटी आई तो है, वो वहाँ किचन में काम कर रही हैं। अच्छा तो फिर कमरा इतना गंदा क्यों है बेटा? अरे वो शांति आंटी की जो बेटी थी ना वो भी आई है, मैंने उसे बची चॉकलेट की ऑफर कर दी, वो तो सीधा मेरे सिर पे ही चढ़ गई। उसने मुझे बिस्किट का टुकड़ा ऑफर किया, हाउ डेयर शी, मैं तो सीधा लिया और उसे फेंक दिया और उसे बहुत डांटा। अब मैं थोड़ी उसका दिया हुआ खाऊंगी, सो चीप। बेटा ये तुम्हारी सोच सही नहीं है, मैंने तुम्हें यही सिखाया, तुमने उसको बची हुई चॉकलेट दी, उसने खा ली, इसलिए नहीं खा ली कि वो गरीब है, उसने इसलिए खा लिया कि तुमने उसको प्यार से दिया। कोई भी इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, उसकी सोच छोटी और बड़ी होती है। बेटा अपनी सोच बदलो और बड़ी सोच रखो। तुम्हारी अगर यही सोच रही ना तो ना तो तुम लाइफ में आगे बढ़ पाओगी और ना ही तुम्हारे अच्छे दोस्त बन पाएंगे। एक बात याद रखना बेटा, इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। तो अपनी सोच को बदलो और लोगों का सम्मान करो। सॉरी मम्मा, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, अब मैं समझ गई हूँ, अब मैं ऐसा वापस कभी नहीं करूँगी, मैं हर एक इंसान की इज्जत करूँगी। कैसी है मेरी ड्राइंग? हाँ अच्छी अच्छी है, बैठ जाओ वापस वहाँ पे। मुझसे दोस्ती करोगी? क्या अब मुझसे दोस्ती करोगे दीदी? लेकिन दीदी एक शर्त पे। क्या शर्त? आपको मुझे टीवी दिखाना होगा। अरे टीवी नहीं कंप्यूटर। हाँ जो भी एक ही है। तो दोस्तों कोई भी इंसान छोटा और बड़ा नहीं होता, बस उसकी सोच छोटी और बड़ी बनाती है उसको। तो समाज में मिलकर रहें और सबका सम्मान करें। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और सभी के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं आपको एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।